हेलो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक जरूर करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना बेल आइकन क्लिक करने के लिए, बेल आइकन क्लिक करने के और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं अगली कोई वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। इसी तरह मेरे साथ बने रहो और इसी तरह मैं आपको सपोर्ट करता रहूंगा। और आज मैं एक नई बात बताने वाला हूँ, मैं आपको हर महीने की लास्ट तारीख को अपनी वीडियो में अपने चैनल पर एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा। मैंने त्रिवेणी सर से बात की थी, उन्होंने बोला, मैंने उनको बताया कि मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे 1500 सब्सक्राइबर हैं और वो मुझसे पूछते हैं वैकेंसी कहाँ पे चल रही है, भाई बताओ बताओ। तो मैंने उन्हें ये बात बताई, वो यूँ कह रहे कि जब भी वैकेंसी निकलेंगी तो मैं बता दिया करूंगा। वैसे ये बात मैंने उनसे बोली थी, वो कह रहे थे हाँ ठीक है मैं बता दिया करूंगा। तो आज ही उन्होंने बताया तो कल ही था, लेकिन उन्होंने टोटल वैकेंसी नहीं बताई, सिर्फ उन्होंने जगह बताई है जहाँ भी वैकेंसी चल रही है। और न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन पेज दो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें, मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा। वीडियो इसकी बिल्कुल मत करना, वीडियो पूरी देखना क्योंकि वो आप देख के एक बार पढ़ लेना। और एक भाई के कमेंट आए थे, उनके रिप्लाई भी देने, उनको भी बताना है। अशोक भाई का कमेंट है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर वो तो वह भी सेंड कर दीजिए। भाई मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई मैं सभी को अपना नंबर नहीं दे सकता, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर लो, आप मुझे फॉलो करो, मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा और मैं आपसे बात भी करूंगा और जो भी आपको पूछना है वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट कमेंट है, भाई मुझे G4S में ज्वाइन होना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। भाई मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स के कई वीडियोस में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो नोटिफिकेशन पेज दो पेज है, वो मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा आपको, उसे आप देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, क्या हाइट है, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, सब कुछ आपको उसी में मिल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है, इनका तीसरा कमेंट है, भाई पेंशन की सुविधा भी रहती है, दोनों कंपनियों में आपकी जो पीएफ कटता है उसका चौथा हिस्सा पेंशन में जाता है। हाँ भाई, वो जो इंडिया की सिक्योरिटी है उसमें भी पेंशन कटती है, पीएफ कटता है, और G4S सिक्योरिटी उसमें भी पीएफ, ईएसआई, पता नहीं क्या क्या सब कुछ कटता है। और जब भी आप G4S को या फिर वो इंडियन सिक्योरिटी को छोड़ोगे तो आपको वो मिल जाएगा, और उसमें आपको नॉमिनी सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ा प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंटेशन का, सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लेते हैं आपसे। अब मैं आपके कमेंट्स के बारे में बता चुका हूँ, नेक्स्ट कमेंट और ये है डॉक्यूमेंट्स पेज, ये आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता, मैं आपको इस वीडियो में ये पेज दे दूंगा, कहीं पे दिखा दूंगा, वीडियो पूरी देखना। कल त्रिवेणी सर से मेरी जो बात हुई थी वो बता दूं आपको, मैंने बोला था उन्हें, सर G4S में वैकेंसी चल रही है क्या और कितनी है, उन्होंने पूछा, मैंने पूछा था उनसे कहां पर है और कितनी है, उन्होंने बोला कहां रहते हो, मैंने बोला कहां रहते हो, दिल्ली में, मैंने बोला हाँ दिल्ली में रहता हूँ, उन्होंने बोला गुड़गांव और नोएडा में वैकेंसी चल रही है। फिर मैंने पूछा उनसे, सर मैं नवादा रहता हूँ, उन्होंने बोला सिक्योरिटी गार्ड अनुभव एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको 12 दिन की ड्यूटी करनी पड़ेगी, और एक्सपीरियंस नहीं है तो 12 दिन की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस है तो आपको 3 दिन की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, इसलिए इन्होंने अनुभव पूछा था मुझसे। मैंने बोला हाँ सर यस अनुभव है,
फिर मैंने उनसे पूछा वैकेंसी कहाँ पर है, उन्होंने मुझसे पूछा अनुभव कितने साल का है, मैंने कितने साल ड्यूटी करी है जी फॉरेस्ट में, मैंने उनसे एक साल बोल दिया। नेक्स्ट उन्होंने पूछा मुझसे गुड़गांव जो कितनी है, मैंने पूछा सर से गुड़गांव में सैलरी कितनी है, उन्होंने बोला था त्रिवेणी सर ने गुड़गांव नोएडा, मैंने बोला ओके कितनी सैलरी है, उन्होंने मुझे बताया था सैलरी के बारे में, अभी बताता हूँ, उन्होंने सैलरी मुझे बताई थी 16,000 12 घंटे की, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है, मैंने उनको अपने चैनल के बारे में बताया था, फिर उन्होंने बोला, मैंने उनसे पूछा कहाँ कहाँ पे चल रही है सर मुझे प्लीज बताइए, उन्होंने बोला गुड़गांव नोएडा और भिवाड़ी इन तीन जगह पे वैकेंसी चल रही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको त्रिवेणी सर का नंबर दे दूंगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो कि इन तीनों जगह में तीनों जगह पर कितनी वैकेंसीज हैं, वो आप उनसे पूछ लेना पर्सनली कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके। इन्होंने मुझे मैसेज किया कल आपको पूरी जानकारी दूंगा, मैंने बोला ओके सर, तो उन्होंने आज मुझे वो 2023 की वो न्यू रिक्वायरमेंट के पेज थे वो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए और वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इसी तरह मेरे साथ बने रहना और वीडियो पूरी देखा करो, कभी स्किप मत किया करो। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता चुका हूँ और अभी लेटेस्ट अपडेट डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगे। राधे राधे।